हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोज। तो ये अपनी न्यू नई यूनिट है यार, विटामिंस। ठीक है, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट विटामिंस पढ़ाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि यार आपको थोड़ा विटामिंस के बारे में जनरल व्यू दे देता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे बन जाएंगे। तो पहले मैं आपको जनरली आपको विटामिंस की डेफिनेशन वगैरह, जो भी उनका क्लासिफिकेशन है, वो सारी चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, तो आपको आगे समझने में काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वहाँ पे दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं आने वाली आपको। आप स्टार्ट करते हैं अपन। विटामिंस में भी रिगार्ड्स एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले आपको याद रखना है कि विटामिंस को अपन मानते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिक्वायर्ड इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन क्या है कि बॉडी में जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो अपन कहाँ से लेंगे? अपनी डाइट से लेंगे। और डाइट में क्या होता है कि जो विटामिंस होते हैं वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट्स में मिलते हैं अपने को। ठीक है, और इनकी वजह से क्या होता है कि अपनी बॉडी में स्पेसिफिक बायोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं उनको चलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, या तो उनको मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, फंक्शंस को। फिर क्या होता है, अगर वो फंक्शंस सही से काम करेंगे तो क्या होगा, जो अपनी ग्रोथ है अपनी बॉडी की और जो अपनी हेल्थ है, ठीक है, वो सही से काम करेगी। तो अब एक बार अपन देख लेते हैं, विटामिंस में भी रिगार्ड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट्स इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है कि अपनी बॉडी है उसमें कम से कम 15 जो विटामिंस है वो एसेंशियल्स हैं ह्यूमन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिंस की, जो कि इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अपन क्लासिफाई जो करते हैं विटामिंस को, तो उनको अपन करते हैं बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि कैसी उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो होंगे अपने फैट सॉल्युबल और सेकेंड होंगे अपने वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होते हैं यार, वो फैट में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, मतलब लिपिड्स वगैरह में सॉल्युबल होंगे। तो क्या होता है कि अगर वो फैट्स में सॉल्युबलेट हो जाते हैं ना, तो वो एक्सक्रीट नहीं होते बॉडी से, मतलब कि अपने अंदर बॉडी में फैट के साथ बढ़िया से आराम से बैठ के रह जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी जो डिफिशियंसी होती है अपनी बॉडी में वो काफ़ी कम होती है, उनको बार बार लेने की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें अपने कौन कौन से विटामिंस आते हैं, विटामिंस ए डी ई के, समझ आता है इतना। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिंस की। जो वाटर सॉल्युबल विटामिंस होते हैं तो उनके भी टू टाइप्स होते हैं, एक तो होते हैं नॉन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब जो बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आते। ठीक है, जैसे कि अपनी विटामिन सी है, ठीक है, तो वो तो नहीं आ रहा। ठीक है, और जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या आएगा अपना विटामिन बी, समझ आता है, ये हो गया। अब क्या है, इसको भी अपन ने और डिवाइड कर रखा है टू टाइप्स में, एक तो वो होंगे अपने जो वो एनर्जी रिलीजिंग होंगे, ठीक है, और जो सेकेंड होंगे वो अपने हीमोपोएटिक, मतलब कि जो अपना आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होगा बॉडी में उसमें हेल्प करवाएंगे। जो एनर्जी रिलीजिंग होते हैं उसमें आता है अपना थियामिन, विटामिन बी1, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, ठीक है, नियासिन, विटामिन बी3, पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी6, बायोटिन, विटामिन बी7, ठीक है, और पेंटाथोइक एसिड मतलब विटामिन बी5। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आपको ऐसे भी याद रखना है कि विटामिन बी1 को क्या बोलेंगे अपन, थियामिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको याद करके रखना है। ठीक है, इसके साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। और जो हीमोपोएटिक में आता है उसमें आता है फॉलिक एसिड, जिसको अपन विटामिन बी9 भी बोलते हैं, और जो विटामिन बी12 होता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सियानोकोबालमिन। ठीक है, तो ये तो मैंने जनरल बता दिया आपको इसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब थोड़े और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, सॉरी, जो फैट सॉल्युबल बताता हूँ पहले, जो अपने फैट सॉल्युबल होते हैं अमीनो एसिड, जो सॉरी विटामिंस, ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगर इनकी कभी भी अगर एक्सेसिव अपटेक कर लिया अपन ने, कभी ज़्यादा ले लिया अपनी बॉडी में, तो क्या होगा कि ये फैट्स के साथ बैठ के रह जाएंगे। अगर बैठ के रहेगा तो क्या होगा कि जब एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा विटामिंस हो जाएंगे तो अपनी टॉक्सिटी क्रिएट करवा देते हैं, तो इसलिए इनका ख्याल रखा जाता है, तो ये अपने को कम अमाउंट में लेने पड़ते हैं। ऑल फैट सॉल्युबल विटामिंस आर आइसोप्रीनोइड कंपाउंड, ठीक है, आइसोप्रीनोइड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ वन और मोर देन 5 कार्बन यूनिट्स, मतलब कि क्या है कि 5 कार्बन की यूनिट्स रहती है ना, वो कम से कम मान के चलो, ऐसे मान के चलो कि अपना यहाँ पे ये 3 दिख रहा है, ठीक है, या तो, और जो एक यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके अंदर 5 कार्बन्स हैं। ठीक है, 5 कार्बन्स हैं, तो क्या होगा, एक यूनिट हो गई। ठीक है, तो सिंगल रहेगा ना, इसको बोलेंगे अपन आइसोप्रीनोइड यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो ये साली एक साथ मिलकर ना क्या करवाती है अपना फॉर्मेशन ऑफ विटामिंस, विटामिन की स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन। ठीक है, जिसमें अपन बता सकते हैं कि जो अपना फैट सॉल्युबल विटामिंस होते हैं ना, उसमें अपने पढ़ा है कि अपना आता है विटामिन के, तो वो क्या करता है, वो अपना स्पेसिफिक है कोएंजाइम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल की। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो हेटरोजीनियस ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है,
एक्सक्रीट थ्रू वाटर, ठीक है, पानी के साथ निकल जाते हैं जब अपन यूरिनेशन वगैरह करते हैं या फिर अपनी स्वेटिंग वगैरह होती है। लेकिन इसमें भी अपना एक ऐसा विटामिन है, विटामिन B12, ठीक है, सियानोकोवाल अमीन, जो कि ऐसे एक्सक्रीट नहीं होता है, याद रखना, MCQ आ सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं फॉर्म कोएंजाइम्स, ठीक है, कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो सारा का सारा उसमें जो एनर्जी रिलीजिंग बताया ना मैंने आपको ना, वो सारे के सारे एज अ कोएंजाइम्स वर्क करते हैं, जो मैंने आपको एंजाइम वाली वीडियो में बता रखे हैं वहां पे, और वहां पे अलग से भी एक वीडियो बना रखी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एज अ कोएंजाइम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अपनी ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें जो कॉलन वाला पार्ट होता है, तो वहां पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि यहाँ पे सिंथेसिस कर देते हैं बहुत सारे विटामिन की, जिसमें अपना आता है विटामिन के एंड बायोटिन, मतलब विटामिन B7, ठीक है, और वहां से कुछ कुछ विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। और यहाँ पे एक टर्म आता है कॉर्फोफेजी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, वो अपना फिशेस खुद खा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना रैट हुआ और डियर वगैरह हुआ, ये सारे अपना ये वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जो बाइटामर्स होते हैं यार, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, बाइटामर्स मतलब क्या होता है, एक टर्म है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ऐसे भी कोई सा भी विटामिन है, अगर उसका सिमिलर सब्सटेंस है और सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है, और उसमें क्वालिटेटिवली सिमिलर है, मतलब विटामिन जैसा, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे विटामिन्स। द टर्म विटामिन्स रिप्रेजेंट द केमिकली सिमिलर सब्सटेंस दैट पोसेस क्वालिटेटिवली, ठीक है, सिमिलर विटामिन्स एक्टिविटी, समझ आता है। जैसे कि अपना हो गया विटामिन ए हो गया, तो विटामिन ए में क्या होता है, जैसे अपना रेटिनॉल हो गया, रेटिनल हो गया, रेटिनोइक एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, विटामर्स हैं विटामिन ए के, समझ आता है। तो ये सारे के सारे जनरल व्यू था यहाँ पे, जनरल इंट्रोडक्शन था, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और नोट्स के लिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके नोट्स ले सकते हैं। और बाकी बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो यार, और बढ़िया मस्ती करो, बढ़िया पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।